से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का 64वां जन्मदिन बीते दिनों जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान चटका बस्ती एवं सामुदायिक भवन बैलोजी में बसपाइयों द्वारा एकत्रित होकर केक काटकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की लंबी उम्र की कामना की गई और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। वहीं इस दौरान गरीब महिलाओं को कंबल बांटे गए और वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज बसपा के लोग कल्याणकारी आर्थिक दिवस के रूप में पार्टी अध्यक्ष मायावती का जन्म दिवस मना रहे हैं। देश के सामने कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियां केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खड़ी हो रही है। महंगाई के कारण गरीबी और आर्थिक गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। हमें समाज को बांटने की राजनीति करने वालों को समाज के बीच जाकर ही बेनकाब करना होगा। उक्त अवसर पर अतिथि माँ कमलेश बोध मुख्य जोन प्रभारी रीवा ने कहे, आयोजन पर मुख्य रूप से सुरेश शाहवाल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राधिका प्रसाद वर्मा, जिला अध्यक्ष शिव कुमार, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी परमानंद भारती सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।